अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ दो तीन जुमले ही कहूँगी क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करना चाह रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान के हवाले से तो बात हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इस बात पे फोकस डालना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट्स को अगर आप देख लें, उनकी जो तहरीकें हैं, जो दुनिया में बड़ी बड़ी चेंजेस आई हैं, उसमें स्टूडेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है जहाँ उनको उसका मौका मिला है। अगर आप यूएस की हिस्ट्री में देख लें तो वियतनाम के खिलाफ जो मूवमेंट उठी, जो कि पीस मूवमेंट थी, उसमें स्टूडेंट्स ने अपना एक बहुत अहम रोल अदा किया और अमेरिका की गवर्नमेंट को इस बात में मजबूर किया कि वो वियतनाम से विथड्रॉ करे अपने आप को। इसी तरह जर्मनी में, फ्रांस में, जहाँ जहाँ इस तरह की ज्यादतियाँ हुई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनमें एनर्जी होती है, उनमें एक आइडियलिज्म होता है, उनमें एक दुनिया को एक चेंज करने का और एक अच्छी जगह बनाने का एक जज्बा होता है और उसके लिए वो कर भी सकते हैं, वो मेहनत भी कर सकते हैं, उनके पास एनर्जी भी होती है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट कि स्टूडेंट सिर्फ टेक्निकल एक उनका दिमाग है, वो सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि उनको समाजी, मुआशी और सियासी हालात का पता होना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का, क्योंकि आजकल की दुनिया में हम एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं और दुनिया जो है वो ख़ास तौर से मुआशी निज़ाम के थ्रू जकड़ी हुई है। तो जब तक स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया का जो मुआशी निज़ाम है वो पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट कर रहा है और उनको ये शऊर नहीं आएगा, वो जब अमली जिंदगी में आएंगे तो वो चीज़ों को सही तरह से नहीं देख पाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को न सिर्फ के उनकी जो करियर जिससे उनका बनता है, जिससे उनको नौकरियां मिलती हैं या जॉब्स मिलते हैं, सिर्फ उस पर एजुकेशन नहीं होनी चाहिए बल्कि उनकी पूरी एक पर्सनैलिटी की नशोनुमा होनी चाहिए जिसमें कि समाजी सियासी मुआशी और पूरे जो सोसाइटी का एक सेटअप होता है उसका शऊर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।